गुड मॉर्निंग। 11th क्लास अपन रिवीजन पार्ट ले रहे हैं और पिछली क्लास में मैंने आपको चैप्टर 5 के टॉपिक्स समझाए थे। फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं, इनफ्लोरेसेंस के बारे में, फ्लावर के बारे में और टर्मिनोलॉजी के बारे में, प्लेसेंटेशन और एस्टिमेशन भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज बच्चों अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 बायो मॉलिक्यूल्स। ओके, बच्चों सबसे पहले लेते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स क्या है कि जो लिविंग टिश्यूज हैं, लिविंग टिश्यूज या लिविंग सेल या लिविंग बॉडी से कोई भी हम मॉलिक्यूल्स जो फाइंड आउट करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अगर हम एग्जामिन करें सभी लिविंग टिश्यू को या फिर अर्थ को भी अगर एग्जामिन करें, तो जो बेसिक जो मिनरल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो सब में सेम है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, तो ये आपको सभी में मिलेंगे, अर्थ के अंदर भी मिलेंगे और लिविंग बॉडीज के अंदर भी ये एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो बायो मॉलिक्यूल्स क्या है कि लिविंग टिश्यू या लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं या लिविंग बॉडीज हैं, उनके द्वारा जो अपन मॉलिक्यूल्स प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मैं एग्जांपल बता देता हूं, आप तुरंत ही समझ जाएंगे कि बायो मॉलिक्यूल क्या है। जैसे कि प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए, आरएनए, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स। अब इनको निकालना कैसे है, ठीक है ना? तो अपन, मैं एक केमिकल का नाम लिखूंगा, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। अपन क्या करेंगे बच्चों, एक लिविंग टिश्यू ले लेंगे, एक प्लांट मटेरियल या लिविंग टिश्यू ले लेंगे, ठीक है ना, और उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर मिक्स कर लेंगे, ठीक है, और उसको पेसल एंड मोर्टार के अंदर पीसेंगे, ठीक है ना, तो स्प्लिट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। फिर उसको अपन फिल्टर करेंगे, क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, ठीक है ना। तो फिल्टर करने पर जो फिल्ट्रेट प्राप्त होगा वो तो होगा एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। जो फिल्टर होके नीचे आएगा वो तो होगा एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन, और जो पीछे रह जाएगा वो होगा एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। तो जो लिविंग टिश्यू है, लिविंग टिश्यू के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, वो तो एसिड में सोल्यूबल होके बाहर आ जाएगा फिल्ट्रेट के फॉर्म में, और जो एसिड इनसोल्यूबल वाला पार्ट है वो पीछे रह जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से दो अलग फ्रैक्शन हो जाएंगे। तो जो एसिड इनसोल्यूबल पार्ट होगा उसके अंदर क्या होंगे, पॉलीसेकेराइड्स होंगे, प्रोटीन्स होंगी, दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, जो कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाएंगे, ठीक है। और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है या मिनरल है, वो एसिड सॉल्युबल पार्ट में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम अलग अलग फ्रैक्शन कर सकते हैं किसी भी लिविंग टिश्यू के अंदर से, ठीक है। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, नाम ध्यान रखना भाई। अपन बच्चों सबसे पहले लेंगे बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स में एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स, ठीक है बेटा। एमिनो एसिड की मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, आर सी एच सी ओ ओ एच, एंड NH2। बच्चों ध्यान से देखिए, एमिनो एसिड भी एक बायो मॉलिक्यूल है, और एमिनो एसिड जनरली क्या है कि लिविंग बॉडीज के अंदर जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कार्बोनिक होते हैं, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो कोई भी है, तो मेनली क्या है, कार्बोनिक कंपाउंड होते हैं सारे के सारे, ठीक है ना। और उनके अंदर एक और एलिमेंट है जो जनरली ज्यादा पाया जाता है, वो है हाइड्रोजन। तो मैक्सिमम जो पाए जाने वाले एलिमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन है। तो एमिनो एसिड भी एक बायो मॉलिक्यूल है, और एमिनो एसिड के अंदर दो ग्रुप है, एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, ठीक है, और एक है एमीन ग्रुप। एक क्या है, एमीन ग्रुप है। ये एक एमिनो एसिड का फॉर्मूला है,
ये तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एक एसिडिक ग्रुप है COOH, और ये एक एमीन ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है, एल्केलाइन ग्रुप है, ठीक है ना। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, आप सबको पता है। तो एक वैलेंसी COOH से फुलफिल हो रही है, एक वैलेंसी एमीन ग्रुप से, एक वैलेंसी हाइड्रोजन से, जो यहाँ है ये हाइड्रोजन, ठीक है, और एक वैलेंसी R, एल्किल ग्रुप कह दिया, R ग्रुप, R की जगह कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, CH2OH हो सकता है, ठीक है ना। तो ये R ग्रुप एल्किल ग्रुप है, इसे हम R से शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है, और जिस कार्बन से ये चारों ग्रुप जुड़े होते हैं इन्हें हम कहते हैं अल्फा कार्बन, इसे हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। ओके बेटा, तो यहां पर जो R है ना, ये चेंजेबल है, R डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर कुछ फॉर्मूलाज मैं लिख के बताऊंगा आपको, बच्चों ध्यान से देखिए। ये एमिनो, तीन एमिनो एसिड्स के एग्जांपल दिए कि इसमें जो आर की जगह हाइड्रोजन भी हो सकता है, मेथिल ग्रुप भी हो सकता है, या हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक तो ग्रुप हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक एमीन ग्रुप, ये तो रहेंगे ही एमिनो एसिड में। यहां पर ये जो हाइड्रोजन है अगर, तो ये हो गया ग्लाइसिन एमिनो एसिड, यहां अगर मिथाइल ग्रुप होता है तो ये एलानिन कहलाता है, और अगर यहाँ हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है तो इसे सेरीन कहते हैं, तो ये सेरीन एमिनो एसिड है। ओके बेटा, तो ये जो आर ग्रुप है यहाँ पर चेंजेबल है, और उसके अकॉर्डिंग फिर एमिनो एसिड भी चेंज होते रहते हैं। नोट कर लिया। रफ कर दो। समझ में आ रहा है आपको? इजी है। आपको पता है प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, वो पॉलीमर होता है, मतलब कई सारे एमिनो एसिड के जुड़ने पर प्रोटीन बन जाती है। अब बच्चों जो एमिनो एसिड्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? नॉन एसेंशियल, एंड एसेंशियल। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, जो एमिनो एसिड्स हैं टोटल 20 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। इनमें से 10 एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी में बनते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनते हैं, और 10 ऐसे होते हैं जो हमें फूड से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? फूड से मिलते हैं। तो जो हमारी बॉडी में बनते हैं उन्हें तो कहते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, और जो हमें फूड से प्राप्त होते हैं, आउटसाइड से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड।
उसके लिए हमें अच्छी डाइट लेना जरूरी होता है। ओके बेटा, तो ये है, ठीक है। चलिए बच्चों, एमिनो एसिड्स भी एसिडिक भी हो सकते हैं, एल्केलाइन नेचर भी हो सकता है, न्यूट्रल नेचर भी हो सकता है। कैसे? अगर एमिनो एसिड्स के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला पार्ट ज्यादा है, क्योंकि वो एसिडिक पार्ट है, तो ये एसिडिक नेचर को बढ़ा देता है। अगर एमीन ग्रुप का पार्ट ज्यादा है, तो एमीन ग्रुप ज्यादा होने से एल्केलाइन नेचर इंक्रीज हो जाता है। और अगर दोनों बैलेंस है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमीन ग्रुप अगर इक्वल है, बैलेंस है, तो फिर वो न्यूट्रल नेचर का होता है। ठीक है बेटा, यहां पर बच्चों एमिनो एसिड्स को वाटर में मिक्स करने पर क्या होता है? बच्चों इधर देखिए कि अगर एमिनो एसिड, ये मान लो एमिनो एसिड है और इसको हम पानी में मिक्स करते हैं, वाटर में मिक्स करते हैं, तो यहां से हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है। हाइड्रोजन आयन क्या होता है? रिलीज होता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज रह जाता है और ये हाइड्रोजन आयन आके एमीन ग्रुप से जुड़ जाता है और क्या बना लेता है? NH3+ और यहाँ CO- रह जाता है। तो ये आयनिक एमिनो एसिड हो गया, आयनिक फॉर्म में आ गया। तो इस आयनिक फॉर्म को हम कहते हैं ज्विटर आयोनिक फॉर्म। क्या कहते हैं? ज्विटर आयोनिक फॉर्म कहते हैं। तो ये इस तरीके से बनती है। फिर कुछ समय बाद में इस ग्रुप से भी एक हाइड्रोजन निकल के चला जाता है एक्वस सॉल्यूशन में, ना, तो ये इस फॉर्म में रह जाता है। ओके, तो ज्विटर आयोनिक फॉर्म कैसे बनती है कि एमिनो एसिड जब पानी में सोल्यूबल होते हैं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एक हाइड्रोजन आयन निकल जाता है और ये निकल के एमीन ग्रुप से बन जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्म को हम कहते हैं ज्विटर आयोनिक फॉर्म। लिपिड्स, पामिटिक एसिड,
हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, नेक्स्ट लेते हैं लिपिड्स। लिपिड्स भी एक कार्बनिक मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बनिक बायो मॉलिक्यूल्स हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पाए जाते हैं। लिपिड्स एंड फैट्स, हम लिपिड्स एंड फैट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और इनमें भी जो एसिडिक ग्रुप है, जो रिएक्शन रिएक्टिव ग्रुप है, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COH ग्रुप है। और ये कार्बनिक मतलब कार्बन की लॉन्ग चेन्स होती है। ये क्या होती है? कार्बन की लॉन्ग चेन्स होती है, ठीक है ना। जैसे कि पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड में टोटल 16 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं? 16 कार्बन। तो ये कार्बन की एक लंबी चेन है। कार्बन की क्या है? एक लंबी चेन है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो वेजिटेटिव ऑयल्स होते हैं, तो वो भी एक लॉन्ग चेन है कार्बन की, ठीक है ना। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल भी अपने आप में एक शॉर्ट लिपिड है। ग्लिसरॉल भी क्या है? एक शॉर्ट लिपिड है, ठीक है ना। तो लिपिड्स एंड फैट्स जो है एनर्जी का सोर्स भी है। इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बॉडी में ना होने पर एनर्जी का सोर्स भी है। प्लस जो फैट्स हैं वो लुब्रिकेशन भी देते हैं बॉडी के अंदर। तो ये कुछ एक फंक्शंस रहते हैं इनके। अच्छा, इसके अलावा सेल कॉन्स्टिट्यूएंट भी है। जैसे सेल मेम्ब्रेन की बात करें, तो सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो लिपिड के साथ में फॉस्फेट ग्रुप्स आ जाते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट भी है। सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भी इनका रोल रहता है। क्लियर होगी बात आपके? नेक्स्ट लेते हैं नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस, हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो बायो मॉलिक्यूल है वो है नाइट्रोजन बेसिस। बच्चों ये नाइट्रोजन बेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट बायो मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये डीएनए एंड आरएनए के कंपोनेंट्स हैं। जो डीएनए एंड आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए एंड आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में भी पाए जाते हैं लिविंग बींग्स के अंदर। तो इनका कॉन्स्टिट्यूएंट कॉम्पोनेंट है नाइट्रोजन बेसिस। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, बायो मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग है ये, ठीक है बेटा। ये दो टाइप के होते हैं, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। प्यूरीन बेटा दो हैं, एडिनिन एंड ग्वेनिन। क्या है? एडिनिन एंड ग्वेनिन। और पायरिमिडीन भी तीन टाइप के हैं, थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। इधर देख लीजिए, एडिनिन को ए से शो करते हैं, ग्वेनिन को जी से शो करते हैं, पायरिमिडीन में तीन है, थाइमीन को टी से, साइटोसिन को सी से, यूरेसिल को यू से, ठीक है बेटा। जनरली डीएनए के अंदर, डीएनए के अंदर एडिनिन, ग्वेनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन ये पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन आरएनए के अंदर थोड़ा अलग होता है कि थाइमिन की जगह यूरेसिल जो है वो पाया जाता है। ओके बेटा, तो ये है। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं इसी से कनेक्टेड लूंगा। पहले अपन न्यूक्लिक एसिड्स लेंगे, डीएनए और आरएनए को पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा डिटेल आपको समझने में आसानी रहेगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अपन, न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड को किसने डिस्कवर किया? डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक, फ्रेडरिक मीसर। फ्रेडरिक
सर, ये दो टाइप के हैं, डीएनए एंड सेकंड इज आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए के अंदर है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके बेटा, तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं डीएनए। डीएनए के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉम्पोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कॉम्पोनेंट्स में फर्स्ट है आपका डीऑक्सी राइबोज सुगर। डीऑक्सी राइबोज सुगर, फाइव कार्बन सुगर, फाइव कार्बन सुगर। सेकेंड नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस में ए है प्यूरीन, एडिनीन, गुआनिन। और बी है फाइव पाइरिमिडीन, थायमीन, एंड साइटोसिन। ठीक है, थायमीन एंड साइटोसिन। और थर्ड है फॉस्फेट ग्रुप, थर्ड इज द फॉस्फेट ग्रुप। टेन मिनट्स हैं अपने पास, 10 से 12 मिनट हैं, सॉरी, तो लास्ट तक बने रहना आप लोग। ये नोट कर लीजिए आप चाहे तो। हाँ बेटा, आप देखिए, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स जो है बच्चों, ये 1869 में फ्रेडरिक मीसर के द्वारा डिस्कवर किए गए। पस सेल्स के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिली। अच्छा, उस समय ना तो डिस्कवरी हुई थी क्रोमोसोम्स की, ठीक है ना, तो उस समय जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिली थी उन्हें न्यूक्लीन कहा। क्या कहा? न्यूक्लीन कहा। तो जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए में फर्क यह है कि दोनों ही फाइव कार्बन की सुगर है, लेकिन डीएनए की सुगर के अंदर एक ऑक्सीजन कम होता है। क्या होता है? उसके सेकंड कार्बन पर, ये कंपटीशन का पार्ट है कि सेकंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन की कमी रहती है, इसलिए डी ऑक्सी, डी मतलब नहीं ऑक्सीजन, जबकि आरएनए की राइबोज सुगर में कंप्लीट होते हैं। ठीक है ना, तो डीएनए के कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट क्या क्या है? तीन कंपोनेंट है, डीऑक्सी राइबोज सुगर, नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस में दो है, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। प्यूरीन में दो है, एडिनिन एंड ग्वानिन। पायरिमिडीन में भी दो है, थायमिन एंड साइटोसिन। फिर लेते हैं फॉस्फेट ग्रुप, थर्ड कंपोनेंट है फॉस्फेट ग्रुप।
अब मैं आपको बच्चों डीऑक्सी राइबोज सुगर की स्केच बना के बता देता हूं। नाइट्रोजन बेसिस भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, बायो मॉलिक्यूल हैं, नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है ना। ये दो टाइप के प्यूरीन एनवायरमेंट, डीएनए में, आरएनए में, दोनों में होता है। दोनों के भी स्ट्रक्चर समझाऊंगा ना, एक्चुअल में जो भी इंफॉर्मेशन है ना वो सारी इन दो के अंदर ही होती है, नाइट्रोजन बेस के अंदर ही होती है। आपके अंदर कौन सी प्रोटीन बन रही है, कौन से हार्मोन बन रहे हैं, वो सब, वो जो इंफॉर्मेशन है वो इनके अंदर होती है कोड के फॉर्म में। ये पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होगी आपकी जब आप रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन वगैरह करेंगे, जब क्लियर होगी बात आपके। तो मतलब जो भी हमारे, मान लो आज मेरे भी जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो नाइट्रोजन बेस के रूप में ही स्टोर है डीएनए के अंदर, उनका जो अरेंजमेंट है वो उस बेसिस पर होता है। तो उसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं, जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्टेप वाइज चलेंगे बच्चों, जेनेटिक कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको अपन 12th में जेनेटिक्स के अंदर करेंगे, ठीक है। तो अभी एक बार ये सुगर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, डीऑक्सी राइबोस सुगर का, सी सी ये देखिए बच्चों, ये स्केच है डीऑक्सी राइबोज सुगर की, किसकी है, डीऑक्सी राइबोज सुगर की स्ट्रक्चर है ये। आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी ये सारी। इस स्ट्रक्चर को देखिए बच्चों, इसमें टोटल 5 कार्बन है, देख लो इधर सारे, 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्लियर होगी बात आपके, 5 कार्बन है। सेकंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन कम होता है, एक जैसे यहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, ये यहां पर दोनों ही HH है, यानी कि एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है यहां पर, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबोज सुगर। अब डीएनए कैसे बनता है, डीएनए कैसे बनता है कि सबसे पहले इधर देख लो बच्चों, सबसे पहले ये जो डीऑक्सीराइबोस सुगर है, इसके फर्स्ट कार्बन पर एक नाइट्रोजीनस बेस आके जुड़ जाता है। मान लो यहां पर एडिनिन जुड़ गया, क्या जुड़ गया, एडिनिन जुड़ गया। तो अब इस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद में इसके फिफ्थ कार्बन पर एक फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है, क्या आ जाता है, एक फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है, या इसको PO4 ही कर लो आप, एक बार यूं समझ लो। तो पहले फर्स्ट कार्बन पर आया एक नाइट्रोजन बेस एडिनिन, ये बन गया न्यूक्लियोसाइड, और फिफ्थ कार्बन पर आ गया एक फॉस्फेट ग्रुप, तो अब बन गया ये न्यूक्लियोटाइड, ये क्या बन गया, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, क्लियर हो गई बात। नाइट्रोजिनस बेस, डीऑक्सीराइबोस सुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये बन गया न्यूक्लियोटाइड, ये एक सिंगल यूनिट हो गई। और जब ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं तो उसे हम कहते हैं डीएनए, क्या कहते हैं, डीएनए। तो डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, वो क्या है, पॉलीमर है, एक लंबी चेन है न्यूक्लियोटाइड्स की। बताइए बच्चों समझ में आया नहीं आया, आ गया, क्लियर है। तो ये एक सिंगल यूनिट ऐसे बनी है। अब क्या होगा कि जैसे शुरुआत में मान लो ये हो गया, अब जो अगला डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर जो फॉस्फेट है, इधर तो थर्ड कार्बन से जुड़ जाएगा और अगली सुगर के फिफ्थ कार्बन से, ठीक है, बना के बताऊं, एक और बना के बताऊं,
हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है आपके कि जब डीएनए की स्ट्रक्चर बनती है तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, समझ में आ गई बात आपके? तो बच्चों ये जो फॉस्फेट ग्रुप है इस सुगर के तो तीसरे कार्बन से जुड़ गया, अगली सुगर के फिर से फिफ्थ कार्बन से जुड़ गया, फिर से क्या हो गया, फिफ्थ कार्बन से जुड़ गया ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या एक लंबी चेन बनती है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स की। क्या वाकई में समझ में आ गया आपको या अभी भी कोई कंफ्यूजन है?